वेलकम बैक टू अंसारे लॉस कवर चैनल। गाइस, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता है कि सर ड्रीम इलेवन में मेगा ग्रैंड लीग कैसे जीते, मेगा ग्रैंड लीग का यूनिक कॉम्बिनेशन एंड यूनिक टीम बनाने में किस डाटा की जरूरत पड़ता है। वो सभी डाटा को अपने वीडियो में इंक्लूड करके आप वीडियो बनाइए, तो आपके उसी डिमांड को इस वीडियो में पूरा करके दिया है। गाइस, अगर आप ड्रीम इलेवन में नंबर वन रैंक पे आना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो बस आपके लिए है। ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आप मेगा ग्रैंड लीग का यूनिक कॉम्बिनेशन एंड यूनिक टीम हमसे भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आज हम लोग कवर करने वाले हैं आईपीएल सीजन 2024 का मैच नंबर 43 यानी मैच नंबर 43 हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि खेला जाने वाला है मुंबई इंडियंस वर्सेज दिल्ली कैपिटल के बीच। ये मैच खेला जाएगा। टाइम एंड डेट की बात करें तो 27 अप्रैल को 3:30 बजे दिन में ये मैच स्टार्ट होगा। स्टेडियम की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली यानी दिल्ली की स्टेडियम पे ये मैच खेला जाएगा। अब दिल्ली की स्टेडियम पे बैटिंग चलता है कि बॉलिंग चलता है, बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग चलता है कि स्पिनर बॉलिंग चलता है, ये सारा डाउट एंड कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। इसके साथ ही आपको मुंबई इंडियंस की तरफ से ऐसा मैं 6 फिक्स पेयर बताऊंगा जिनका रिकॉर्ड दिल्ली के सामने बहुत तगड़ा है, और दिल्ली की टीम से ऐसा 5 फिक्स पेयर बताऊंगा जिनका रिकॉर्ड मुंबई के सामने बहुत तगड़ा है। तो किस प्लेयर को लेना है और किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, ये सारा डाटा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं क्या एक्स्ट्रा आपके लिए लेके आया हूं, चलिए शॉर्ट में जानते हैं। इस वीडियो में दोनों टीम के प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आपको विकेट कीपर में किसको लेना है, बैटिंग में किसको लेना है, बॉलिंग में किसको लेना है और ऑलराउंडर सेक्शन में किसको लेना है। पूरा एनालिसिस के बेस पे बताऊंगा, यहाँ पे कोई तुक्का नहीं करूंगा। इसके बाद बताएंगे कि किस बैट्समैन को लेना है तो किस बॉलर को ड्रॉप करना है, किस बॉलर को लेना है तो किस बैट्समैन को ड्रॉप करना है। इसके बाद बताएंगे प्लेयर बैटल, कौन बॉलर किसको कितना बार आउट कर चुका है। इसके बाद बताएंगे 5 ऐसे प्लेयर जो इस मैच में फ्लॉप होने वाले हैं। इसके बाद बताएंगे कौन से ऐसे 2 प्लेयर हैं जिसको एक साथ एक टीम कॉम्बिनेशन में ट्राई नहीं करना है। इसके बाद बताएंगे कुछ ऐसा फिक्स प्लेयर जिसको किसी भी सिचुएशन में अपने टीमों से ड्रॉप नहीं करना है। तो ये सारा डाटा इस वीडियो में मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं गाइस पिच रिपोर्ट के बारे में। तो आपको बता दें गाइस, ये जो मैच है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली यानी दिल्ली की स्टेडियम पे खेला जाएगा। अब यहाँ का जो पिच है गाइस बैलेंस पिच है। अब बैलेंस कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट मिलता है। बॉलिंग में फास्ट बॉलर को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, इसको मैं आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं इस स्टेडियम पे T20 स्टैट। T20 का टोटल 93 मैच खेला गया है जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 43 बार जीता है, बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम 50 बार जीता है, यानी चेस करने वाली टीम जीतने का चांस ज्यादा रखता है। बात करेंगे इस स्टेडियम पे एवरेज स्कोर के बारे में, तो यहाँ पे 160 से 170 बन सकता है। हाई स्कोर 266 रन, लो स्कोर 66 रन बना है। बात करेंगे पिच की डायमेंशन की कि किस साइड कितना इसका बाउंड्री है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। तो ये मैं पिच का डायमेंशन का फोटो लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। बात करेंगे इस स्टेडियम पे T20 स्कोरिंग पैटर्न के बारे में कि जब भी इस स्टेडियम पे T20 फॉर्मेट में मैच होता है तो कितना कितना रन बनता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो 150 से बिलो यानी 150 से कम 22 बार इस स्टेडियम पे रन बन चुका है, 150 से 169 के बीच 24 बार रन बन चुका है, 170 189 के बीच 23 बार रन बन चुका है, 190 से ज्यादा 21 बार इस स्टेडियम पे रन बन चुका है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे गाइस कि ये जो पिच है यहाँ का बैलेंस है तो क्यों है, प्रेशर बॉलर को सपोर्ट मिलता है तो क्यों मिलता है। इस डाउट और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जब इस स्टेडियम पे रिसेंटली मैच खेले गए हैं तो उस मैच का मैं ड्रीम टीम आपके सामने लेके आया हूं, ताकि वो ड्रीम टीम देखेंगे तो आपका सारा डाउट एंड कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि इस स्टेडियम पे किसको कितना सपोर्ट मिलता है। चलिए देखते हैं, 1 by 1 करके 4 ड्रीम टीम दिखाऊंगा जो कि इसी स्टेडियम पे खेले गए हैं। पहला टीम आप देखेंगे
तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कैप्टन बने हैं अक्षर पटेल, वाइस कैप्टन बने हैं ऋषभ पंत। ठीक है, ये दो कैप्टन वाइस कैप्टन आपको दिख गया। दूसरा टीम आप देखेंगे तो यहाँ पे कैप्टन बने हैं टी नटराजन और वाइस कैप्टन बने हैं ट्रेविस हेड। ठीक है, तीसरा टीम आप देखेंगे यहाँ पे कैप्टन बने हैं ऋतुराज गायकवाड़, वाइस कैप्टन बने हैं डिवॉन कॉनवे। चौथा टीम आप देखेंगे तो यहाँ पे कैप्टन बने हैं पी सिंह और वाइस कैप्टन बने हैं हरप्रीत बरार। ठीक है, ये चार टीमों में आपने देख लिया कि कैप्टन वाइस कैप्टन कौन बनते हैं। एक चीज और नोटिस कीजिएगा, क्या नोटिस करना है यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं उसको नोटिस करना है। आप तीन टीमों में क्या चीज कॉमन देखते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला टीम आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना बॉलर, आपको पांच बॉलर दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा टीम में आपको तीन बॉलर ओनली दिख रहे हैं, लेकिन तीसरा टीम में आप आएंगे तो यहाँ पे कितना बॉलर, तीन और तीन छह बॉलर यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगला जाएंगे तो यहाँ पे चार और तीन सात बॉलर दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बॉलिंग को यहाँ पे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, आप बॉलिंग को फेवर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस कि इस स्टेडियम पे जब मैच होता है तो विकेट कैसे गिरते हैं। इस स्टेडियम पे जो लास्ट मैच खेला गया है वो 24 अप्रैल 2024 को खेला गया है। किसके बीच खेला गया है, दिल्ली और गुजरात के बीच खेला गया है। बैटिंग फर्स्ट में पेसर बॉलर तीन विकेट, स्पिनर बॉलर एक विकेट। बैटिंग सेकेंड में पेसर बॉलर पांच विकेट, स्पिनर बॉलर तीन विकेट। एक और मैच देखते हैं जो कि 20 अप्रैल 2024 को इसी स्टेडियम पे खेला गया है। किसके बीच खेला गया है, सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली के बीच खेला गया है। बैटिंग फर्स्ट में पेसर बॉलर एक विकेट, स्पिनर बॉलर पांच विकेट। बैटिंग सेकेंड में पेसर बॉलर सात विकेट, स्पिनर बॉलर तीन विकेट। एक और मैच देखते हैं जो कि 20 मई 2023 को इसी स्टेडियम पे खेला गया है। किसके बीच खेला गया है, सीएसके वर्सेज डीसी के बीच खेला गया है। बैटिंग फर्स्ट में पेसर बॉलर तीन विकेट, स्पिनर बॉलर को विकेट नहीं मिला। बैटिंग सेकेंड में पेसर बॉलर छह विकेट, स्पिनर बॉलर तीन विकेट। एक लास्ट मैच देखते हैं जो कि 13 मई 2023 को इसी स्टेडियम पे खेला गया है। किसके बीच खेला गया है, पंजाब और दिल्ली के बीच खेला गया है। बैटिंग फर्स्ट में पेसर बॉलर तीन विकेट, स्पिनर बॉलर तीन विकेट। बैटिंग सेकेंड में पेसर बॉलर दो विकेट, स्पिनर बॉलर छह विकेट। तो ओवरऑल लास्ट के छह मैच का पूरा डाटा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छह मैच में 43 यानी 43 विकेट जो मिला है फास्ट बॉलर को मिला है, जबकि स्पिनर बॉलर को 30 विकेट मिला है। तो यहाँ पे फास्ट बॉलर को ज्यादा विकेट मिलता है, आप फास्ट बॉलर को फोकस करके जा सकते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं कि किस क्वालिटी के बॉलर ज्यादा विकेट निकालते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं और आपका डाउट को क्लियर कर दूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। यहाँ पे फास्ट बॉलिंग में आप देखेंगे तो लास्ट के छह मैच का पूरा डाटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट बॉलिंग में राइट आर्म फास्ट मीडियम यानी RAFM बॉलर छह मैच में 17 विकेट निकाले हैं, तो टॉप पिक्स रहेंगे इस मैच के लिए। राइट आर्म मीडियम बॉलर छह मैच में 14 विकेट निकाले हैं, तो ये भी टॉप पिक्स रहेंगे इस मैच के लिए। इसके बाद लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलर छह मैच में 11 विकेट निकाले हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर छह मैच में 8 विकेट निकाले हैं। इसके बाद बाकी बॉलर का नॉर्मल विकेट है, तो आपने देख लिया कि कौन से बॉलर कितना विकेट निकालते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस कि दोनों टीम ने टोटल कितना मैच खेला है और उनका प्रीवियस रिजल्ट क्या है। तो दोनों टीमों ने टोटल हेड टू हेड का 34 मैच खेला है, जिसमें दिल्ली की टीम 15 बार जीता है और मुंबई की टीम 19 बार जीता है। बात करेंगे प्रीवियस रिजल्ट की, तो यहाँ पे दिल्ली लास्ट मैच जीता है, फिर एक मैच हारा, फिर लगातार दो मैच जीता, फिर एक मैच हारा है। यहाँ पे बात करेंगे मुंबई की, तो लास्ट मैच हार के हारा, फिर एक मैच जीता, फिर एक मैच हारा, फिर लगातार दो मैच जीता। ठीक है, विनिंग चांस की बात करें तो मुझे लगता है कि ये मैच जो है MI विन करेगा। मेरे हिसाब से इस मैच का विनर मुंबई होगा। अब आपके हिसाब से कौन होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसका रिप्लाई मैं कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस कि जब ये दोनों टीम हेड टू हेड का मुकाबला खेलते हैं तो कौन ऐसे प्लेयर हैं जो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस करते हैं, कौन ऐसे प्लेयर हैं जो ड्रीम टीम में आते हैं। इस डाउट और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, जब दोनों टीम हेड टू हेड का मुकाबला खेले हैं तो उस मुकाबले का मैं ड्रीम टीम आपके सामने लेके आया हूं, ताकि वो ड्रीम टीम देखेंगे तो आपका सारा डाउट एंड कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं, तीन ड्रीम टीम दिखा रहा हूं जो कि हेड टू हेड मुकाबले का है। ठीक है, पहला ड्रीम टीम देखेंगे तो यहाँ पे कैप्टन बने हैं जी कोइट जी जो कि फास्ट बॉलिंग करते हैं, वाइस कैप्टन बना है ट्रिस्टन स्टफ जो कि बैटिंग सेक्शन से हैं। दूसरा ड्रीम टीम देखेंगे तो यहाँ पे कैप्टन बने हैं पीयूष चावला जो कि बॉलिंग सेक्शन से स्पिन बॉलिंग करते हैं, वाइस कैप्टन रोहित शर्मा बने हैं जो कि बैटिंग सेक्शन से हैं। तीसरा टीम आप देखेंगे तो यहाँ पे कैप्टन जसप्रीत बुमराह बने हैं जो कि फास्ट बॉलिंग करते हैं और वाइस कैप्टन बने हैं ईशान किशन
जो कि बैटिंग सेक्शन से हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि जब भी हेड टू हेड का मैच होता है तो कैप्टन बोलिंग सेक्शन से बनते हैं और वाइस कैप्टन बैटिंग सेक्शन से बनते हैं। ये चीज तो क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसे प्लेयर हैं जो कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ पे आपको ईशान किशन दिख जाएंगे, यहाँ पे ईशान किशन दिख जाएंगे, यहाँ पे ईशान किशन दिख जाएंगे, मतलब तीनों टीमों में ईशान किशन कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस करते हैं तो कल के मैच के लिए फिक्स प्लेयर लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रोहित शर्मा दिख जाएंगे, यहाँ पे रोहित शर्मा दिख जाएंगे। ठीक है, दो जगह आपको रोहित शर्मा दिख रहे हैं। ठीक है, टीम डेविड यहाँ पे है और इधर भी टीम डेविड है, दो जगह आपको टीम डेविड भी दिख जाएंगे। पृथ्वी शाह यहाँ पे भी है और पृथ्वी शाह आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप ऑलराउंडर में आ जाएंगे तो अक्षर पटेल यहाँ पे दिख जाएंगे, अक्षर पटेल यहाँ पे दिख जाएंगे, अक्षर पटेल यहाँ पे दिख जाएंगे। तीनों ड्रीम टीम में आपको अक्षर पटेल दिख जाएंगे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह आपको नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे, मतलब कंटिन्यूस परफॉर्मेंस करते हैं, जसप्रीत बुमराह को छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, और जी कोएट जी सबसे ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेंगे, तो इन पे आप फोकस कर सकते हैं। मैंने बता दिया जी कौन ऐसे प्लेयर हैं जो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस करते हैं, आप चाहे तो इस डाटा का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में, उससे पहले एक अपडेट। अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट एक लाइक मार दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, अगर आप उनके चैनल पे जाएंगे तो आपसे पैसे का डिमांड करेंगे, तो वैसे लोगों से सावधान। आप जब भी ज्वाइन करना मेरा रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, बस दो तरीके से मेरा रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेरा रियल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। दूसरा, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको मेरा रियल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, लाइनअप पाने के बाद कन्फर्म प्लेइंग 11 मिलेगा कि किस बैटिंग ऑर्डर के साथ कौन खेलता है, कन्फर्म पिच रिपोर्ट मिलेगा। इसके बाद नए प्लेयर आएंगे तो उसको लेना है कि ड्रॉप करना है, उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है कि नहीं बनाना है, ये सारा डाटा अपने वीडियो में इंक्लूड करके बताया हूं और अपने टेलीग्राम पे फाइनल अपडेट देता हूं। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और उसके साथ जो मेरा फाइनल टीम आता है, जिस टीम के साथ मैं लाखों का इन्वेस्ट करता हूं, वो टीम अगर आपको फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि होने वाला है दिल्ली कैपिटल का प्लेइंग 11। इनका टॉप ऑर्डर क्या है, मिडिल ऑर्डर क्या है और लोअर ऑर्डर क्या है। इनके टॉप में खेलते हैं पृथ्वी शाह, जे फ्रासर, एमसी गर्ग, ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टफ। मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं साई होप, अक्षर पटेल, अभिषेक पोरेल। लोअर ऑर्डर में खेलते हैं कुलदीप यादव, एनरिक नोटजे, मुकेश कुमार और खलील अहमद। ये इनका प्लेइंग 11 है। अब इनके प्लेइंग 11 में 7 राइट हैंडर बैट्समैन है और 4 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। ठीक है, तो राइट हैंडर बैट्समैन को लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर आउट करते हैं और लेफ्टी बैट्समैन को राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर आउट करते हैं। तो अगर आप जीएल की टीम बनाते हैं तो इस चीज पे फोकस करके जीएल का कॉम्बिनेशन बनाइएगा। अब आगे हम बात करेंगे किस टीम के लिए ओपनिंग बॉलिंग डेथ के बॉलिंग कौन करते हैं। तो इस टीम के लिए ओपनिंग बॉलिंग करते हैं खलील अहमद और एनरिक नोटजे। एनरिक नोटजे का रिकॉर्ड खराब होगा तो मुकेश कुमार ओपनिंग बॉलिंग करेंगे। डेथ बॉलिंग की बात करें तो डेथ में बॉलिंग करते हैं खलील अहमद और एनरिक नोटजे। एनरिक नोटजे का रिकॉर्ड खराब होगा तो रसिक सलाम डेथ में बॉलिंग करते हैं, जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं। ठीक है, बात करेंगे कौन बॉलर कितना बॉलिंग करते हैं। तो खलील अहमद 3 से 4 बार बॉलिंग करते हैं, नोटजे 3 से 4 बार बॉलिंग करते हैं, मुकेश कुमार 3 से 4 बार बॉलिंग करते हैं, रसिक सलाम 3 से 4 बार बॉलिंग करते हैं, अक्षर पटेल पूरा 4 बार बॉलिंग करते हैं, कुलदीप यादव पूरा 4 बार बॉलिंग करते हैं। ठीक है, ये चीज तो हो गया बॉलिंग का प्रोफाइल, कौन कितना बॉलिंग करेगा। बात करते हैं प्लेयर बैटल के बारे में कि कौन बॉलर किसको कितना बार आउट कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेविड वार्नर का प्लेयर बैटल। रोमारियो सिफर्ट 19 बॉल 28 रन 2 बार आउट कर चुके हैं। पीयूष चावला 77 बॉल 115 रन 2 बार आउट कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह 50 बॉल 56 रन 2 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऋषभ पंत का प्लेयर बैटल। जसप्रीत बुमराह 43 बॉल 48 रन 6 बार आउट कर चुके हैं। मोहम्मद नबी 8 बॉल 17 रन 1 बार आउट कर चुके हैं। जी कोइट जी 3 बॉल 1 रन 1 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी शाह का प्लेयर बैटल। पीयूष चावला 31 बॉल 77 रन 2 बार आउट कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह 22 बॉल 16 रन 2 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अक्षर पटेल का प्लेयर बैटल। जसप्रीत बुमराह 41 बॉल 40 रन 3 बार आउट कर चुके हैं। जसन बैंड्रोप 6 बॉल 14 रन 1 बार आउट कर चुके हैं। तो जो लोग प्लेयर बैटल का स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपको नहीं मिलने वाला है।
अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि होने वाला है मुंबई इंडियन का प्लेइंग 11। इनका टॉप ऑर्डर क्या है, इनका मिडिल ऑर्डर क्या है और इनका लोअर ऑर्डर क्या है, चलिए देखते हैं। तो इनके टॉप में खेलते हैं रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा। मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं हार्दिक पांड्या, टीम डेविड, नेहाल वधेरा। लोअर ऑर्डर में खेलते हैं मोहम्मद नबी, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह और जी कोहली जी। ये इनका प्लेइंग 11 हो गया। अब इनके प्लेइंग 11 में 8 राइट हैंडर बैट्समैन है और 3 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। तो राइट हैंडर बैट्समैन को लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर आउट करते हैं, लेफ्टी बैट्समैन को राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर आउट करते हैं। इस चीज को आप फोकस कीजिएगा कब, जब आप मेगा ग्रांडली का यूनिक कॉम्बिनेशन एंड यूनिक टीम बनाते हैं तब, ठीक है। आगे बात करते हैं किस टीम के लिए ओपनिंग बॉलिंग डेथ के बॉलिंग कौन करते हैं। इस टीम के लिए ओपनिंग बॉलिंग करते हैं जसप्रीत बुमराह और नुवन थूथरा। नुवन थूथरा का रिकॉर्ड खराब होगा तो हार्दिक पांड्या ओपनिंग बॉलिंग करेंगे। डेथ बॉलिंग की बात करें तो डेथ में बॉलिंग करते हैं जसप्रीत बुमराह और जी कोहली जी। जी कोहली जी का रिकॉर्ड खराब होगा तो नुवन थूथरा डेथ में बॉलिंग करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन बॉलर कितना बॉलिंग करेंगे। जसप्रीत बुमराह पूरा 4 बार बॉलिंग करते हैं, जी कोहली जी 3 से 4 बार बॉलिंग करते हैं, नुवन थूथरा 3 से 4 बार बॉलिंग करते हैं, हार्दिक 1 से 3 बार बॉलिंग करते हैं, मोहम्मद नबी 1 से 3 बार बॉलिंग करते हैं, पीयूष चावला 3 से 4 बार बॉलिंग करते हैं, तिलक वर्मा 1 से 2 बार बॉलिंग करते हैं। तो ये इनका बॉलिंग प्रोफाइल हो गया। अब आगे हम बात करने वाले हैं प्लेयर बैटल के बारे में, कौन बॉलर किसको कितना बार आउट कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रोहित शर्मा का प्लेयर बैटल, ए नोट जे 24 बॉल 37 रन 2 बार आउट कर चुके हैं। ईशान 40 बॉल 48 रन 3 बार आउट कर चुके हैं। अक्षर पटेल 69 बॉल 63 रन 3 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सूर्य कुमार यादव का प्लेयर बैटल, ए नोट जे 15 बॉल 18 रन 2 बार आउट कर चुके हैं। खलील अहमद 5 बॉल 8 रन 1 बार आउट कर चुके हैं। अक्षर पटेल 61 बॉल 53 रन 1 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे हार्दिक पांड्या का प्लेयर बैटल, ए नेट जो 35 बॉल 50 रन 2 बार आउट कर चुके हैं। खलील अहमद 21 बॉल 28 रन 3 बार आउट कर चुके हैं। अक्षर पटेल 36 बॉल 36 रन 1 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे तिलक वर्मा का प्लेयर बैटल, मुकेश कुमार 9 बॉल 23 रन 1 बार आउट कर चुके हैं, ठीक है। बाकी नीचे मिस डाटा है तो उसको आप छोड़ दीजिए। तो ये हो गया प्लेयर बैटल। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपको नहीं मिलने वाला है। आगे हम बात करने वाले हैं गाइस आपका स्पेशल डिमांड के ऊपर। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता है कि सर मेगा ग्रैंड लीग कैसे जीते, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, मेगा ग्रैंड लीग जीतने के लिए किस ट्रिक को अप्लाई करना पड़ता है। ये सारा डाटा ऑलरेडी 2 वीडियो में बना के दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कुछ भी नहीं देखा है। पहला वीडियो को 1 मिलियन प्लस लोगों ने देख चुका है। इसमें कुछ खास है मेगा जीएल के लिए, 1 मिलियन लोगों ने देखा। इसके थंबनेल पे लिखा है ड्रीम 11 5 टिप्स, मैच शुरू होने से 5 घंटा पहले इसको अप्लाई करना है। इसके बाद हाउ टू क्रिएट मेगा जीएल का टीम, मेगा जीएल का टीम कैसे बनाए, आईपीएल में ग्रैंड लीग कैसे जीते, ये सारा इंफॉर्मेशन इस दोनों वीडियो में मैंने देख के रखा। ये दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, यहां से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा अंसारी लॉस कवर चैनल। इसके बाद वीडियो सेक्शन में जाइए, इसके बाद पॉपुलर वीडियो में जाके ये दोनों वीडियो देख लीजिए। अगर आपने देख लिया तो मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं कि आप मेगा ग्रैंड लीग का यूनिक कॉम्बिनेशन एंड यूनिक टीम आराम से बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस प्लेयर स्टैट्स के बारे में, किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, पूरा सेक्शन वाइज एनालिसिस करके बताऊंगा कौन से प्लेयर फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कहां पे हैं, विकेट कीपर सेक्शन में। तो हमारे पास 3 विकेट कीपर हैं, हमको किसको लेके चलना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं मुंबई की तरफ। इनके तरफ से दूसरे नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं ईशान किशन, लेफ्टी बैट्समैन है, विकेट कीपिंग करते हैं। 82% लोग ने ड्रीम 11 की टीम में इनको जगह दिया। लास्ट 5 मैच की बात करें तो 0 रन 8 रन 23 रन 69 रन 42 रन, हेड टू हेड 15 मैच में 45 का एवरेज है, स्टेडियम पे 5 मैच में 23 का एवरेज है। तो ये मेगा जीएल का ट्रम्प कार्ड प्लेयर है। अगर जीएल की कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ड्रीम टीम में 3 बार दिखाई दिए थे ईशान किशन, आपको याद होगा, 3 को आप जीएल की टीम में फिक्स प्लेयर लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दिल्ली की तरफ। इनके तरफ से 4th नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं ऋषभ पंत, लेफ्टी बैट्समैन है, 92% लोग ने ड्रीम 11 की टीम में इनको जगह दिया। लास्ट 5 मैच की बात करें तो 88 रन 44 रन 16 रन 41 रन 1 रन, ये इनका करेंट परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड 15 मैच में 26 का एवरेज है, स्टेडियम पे 33 मैच में 44 का एवरेज है। ये हमारी टीमों में फिक्स रहेंगे, स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग दोनों टीमों में फिक्स रहेंगे, ठीक है। 7th नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं अभिषेक पुरेल, लेफ्टी बैट्समैन है, विकेट कीपिंग करते हैं।
6% लोग ने ड्रीम इलेवन की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो बैटिंग लिया 42 रन 15 रन, बैटिंग लिया 41 रन, ये इनका करेंट परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड दो मैच में 42 रन है, स्टेडियम पे चार मैच में 63 रन है, तो इनको हम लोग सीधा ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया विकेट कीपर सेक्शन क्लियर। अब आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बैटिंग सेक्शन के बारे में, कि किसको लेना है और किसको ड्रॉप करना है। तो चलते हैं मुंबई की तरफ। इनके तरफ से ओपनिंग यानी फर्स्ट में बैटिंग करने आते हैं रोहित शर्मा, राइट हैंडर बैट्समैन है, 90% लोग ने ड्रीम इलेवन की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 6 रन 36 रन 105 रन 38 रन 49 रन, ये इनका करेंट परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड 34 मैच में 33 कैवरेज है, स्टेडियम पे 19 मैच में 37 कैवरेज है। हमारी टीमों में फिक्स प्लेयर रहेंगे रोहित शर्मा, इनको हम लोग फिक्स प्लेयर लेके चलेंगे। इसके बाद है गाइस सूर्य कुमार यादव, राइट हैंडर बैट्समैन है, 85% लोग ने ड्रीम इलेवन की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 10 रन 78 रन 0 रन 52 रन 0 रन, हेड टू हेड 19 मैच में 25 कवरेज है, स्टेडियम पे 10 मैच में 14 कवरेज है। इनको जीएल की टीम में ट्राई करना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग करते हैं जे फरासर एमसी गर्ग, जो कि राइट हैंडर बैट्समैन है, 72% लोग ने ड्रीम इलेवन की टीम में इनको जगह दिया। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 23 रन 65 रन 20 रन 55 रन 14 रन, ये इनका करेंट परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड नहीं खेला है, स्टेडियम पे दो मैच में 88 रन है। तो मेगा जीएल का ये ट्रम्प कार्ड पे रहेंगे, जीएल की रिस्क की टीम में आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं पृथ्वी शाह, राइट हैंडर बैट्समैन है, 25% लोग ने ड्रीम इलेवन की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट के पांच मैच की बात करें तो 11 रन 16 रन 7 रन 32 रन 66 रन, ये इनका करेंट परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड 12 मैच में 18 कवरेज है, स्टेडियम पे 20 मैच में 22 कवरेज है। इनको हम लोग सीधा ड्रॉप करके चलेंगे, लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे हम लोग देखते हैं बैटिंग सेक्शन में और जो प्लेयर हैं, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है। तो चलते हैं मुंबई की तरफ। इनके तरफ से चौथे नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं तिलक वर्मा, लेफ्टी बैट्समैन है, 72% लोग ने ड्रीम इलेवन की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 65 रन 34 रन 31 रन 16 रन 6 रन, हेड टू हेड चार मैच में 90 रन है, स्टेडियम पे दो मैच में 49 रन है। तो अगर आपको लगता है कि मुंबई का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा, यानी टॉप ऑर्डर को आप ड्रॉप करके टीम बनाते हो, तो उस कंडीशन में तिलक वर्मा को फिक्स प्लेयर लेके जा सकते हो जीएल की कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसके बाद छठे नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं टीम डेविड, राइट हैंडर बैट्समैन है, 7% लोग ने ड्रीम इलेवन की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 3 रन 14 रन 13 रन, बैटिंग ने 45 रन, हेड टू हेड चार मैच में 52 कवरेज है, स्टेडियम पे एक मैच में 13 रन है। इनको हम लोग सीधा ड्रॉप करके चलेंगे। अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। इनके तरफ से पांचवें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं ट्रिस्टन स्टब, राइट हैंडर बैट्समैन है, पार्ट टाइम राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं, 62% लोग ने ड्रीम इलेवन की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 26 रन 10 रन 2 विकेट 15 रन 71 रन, हेड टू हेड एक मैच में 71 रन है, स्टेडियम पे तीन मैच में 36 रन है। अगर दिल्ली का टॉप ऑर्डर ड्रॉप करके आप टीम बनाते हो, तो उस कंडीशन में आप ट्रिस्टन स्टब को मेगा जीएल का ट्रम्प कार्ड प्लेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है। छठे नंबर पे आते हैं साई होप, जो कि राइट हैंडर बैट्समैन है, 6% लोग ने ड्रीम इलेवन की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 5 रन 19 रन 11 रन 33 रन, हेड टू हेड नहीं खेला, स्टेडियम पे एक मैच खेला और 5 रन बनाया, इनको हम लोग सीधा ड्रॉप करके टीम बनाएंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं गाइस ऑलराउंडर सेक्शन, ऑलराउंडर में किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है। तो चलते हैं दिल्ली की तरफ। इनके तरफ से पांचवें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं हार्दिक पांड्या, राइट हैंडर बैट्समैन है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 66% लोग ने ड्रीम इलेवन की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 10 रन 0 विकेट 10 रन 1 विकेट 2 रन 2 विकेट 21 रन 0 विकेट 39 रन, ये इनका करेंट परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड 18 मैच में 22 कवरेज है, 6 विकेट निकाले हैं, स्टेडियम पे 10 मैच में 142 रन और 3 विकेट निकाले हैं, इनको हम लोग फिक्स प्लेयर लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद सातवें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं निहाल वधेरा, जो कि लेफ्टी बैट्समैन है, 10% लोग ने ड्रीम इलेवन की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 49 रन 61 रन 13 रन 52 रन, बैटिंग लिया, हेड टू हेड एक मैच में बैटिंग लिया, स्टेडियम पे एक मैच में बैटिंग लिया, तो इनको हम लोग सीधा ड्रॉप करके टीम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दिल्ली की तरफ। तीसरे नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं अक्षर पटेल, लेफ्टी बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, 94% लोग ने ड्रीम इलेवन की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 66 रन 1 विकेट 6 रन 1 विकेट 1 विकेट 0 रन 8 रन 2 विकेट, हेड टू हेड 20 मैच में 14 विकेट निकाले हैं, स्टेडियम पे 21 मैच में 40 कवरेज है और 17 विकेट निकाले हैं। तो हमारी टीमों में अक्षर पटेल फिक्स पर रहेंगे, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना के जा सकते हैं। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं गाइस बॉलिंग सेक्शन, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है। तो चलते हैं मुंबई की तरफ। इनके तरफ से बॉलिंग करते हैं मोहम्मद नबी, राइट हैंडर बैट्समैन है, राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं,
8% लोग ने ड्रीमलैंड की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 23 रन 0 विकेट 0 रन 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, हेड टू हेड 3 मैच में 37 रन और 2 विकेट है। स्टेडियम पे 3 मैच में 46 रन और 4 विकेट है। तीनको हम लोग सीधा ड्रॉप करके टीम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद बॉलिंग करते हैं जी कोइट जी, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। 60% लोग ने ड्रीमलैंड की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 4 विकेट, हेड टू हेड 1 मैच में 4 विकेट है। स्टेडियम पे नहीं खेले हैं। हमारी टीमों में ये जी कोइट जी फिक्स प्लेयर रहेंगे। आप जीएल की टीम में वाइस कैप्टन भी इनको बना के जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं दिल्ली की तरफ, इनके तरफ से बॉलिंग करते हैं ए नोट जी, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं। 10% लोग ने ड्रीमलैंड की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट, हेड टू हेड 8 मैच में 9 विकेट है। स्टेडियम पे 8 मैच में 7 विकेट है। अगर दिल्ली की बॉलिंग पहले आती है, बॉलिंग फर्स्ट करता है, तो उस कंडीशन में आप ए नोट जे को फिक्स प्लेयर लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बॉलिंग करते हैं कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलिंग करते हैं। 80% लोग ने ड्रीमलैंड की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 2 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड 9 मैच में 7 विकेट है। स्टेडियम पे 13 मैच में 14 विकेट है। तो हमारी टीमों में फिक्स प्लेयर रहेंगे, इनको हम लोग फिक्स प्लेयर लेके चलेंगे। आगे देखते हैं गाइस, और जो बॉलर बचे हैं किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है। तो चलते हैं मुंबई की तरफ, इनके तरफ से बॉलिंग करते हैं पीयूष चावला, लेग ब्रेक स्पिन बॉलिंग करते हैं। 7% लोग ने ड्रीमलैंड की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड 24 मैच में 26 विकेट है। स्टेडियम पे 15 मैच में 16 विकेट है। तीनको जीएल की टीम में आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है गाइस जसप्रीत बुमराह, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं। 93% लोग ने ड्रीमलैंड की टीम में इनको जगह दिया। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 5 विकेट 2 विकेट, ये इनका करेंट परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड 20 मैच में 25 विकेट है। स्टेडियम पे 9 मैच में 8 विकेट है। तो हमारी टीमों में फिक्स प्लेयर रहेंगे जसप्रीत बुमराह, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना के जा सकते हैं। चलते हैं दिल्ली की तरफ, इनके तरफ से बॉलिंग करते हैं मुकेश कुमार, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं। 20% लोग ने ड्रीमलैंड की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, कंटिन्यूअस विकेट निकालते हैं। हेड टू हेड 1 मैच में 2 विकेट है। स्टेडियम पे 9 मैच में 8 विकेट है। तो हमारी टीमों में फिक्स प्लेयर रहेंगे, इनको हम लोग फिक्स प्लेयर लेके चलेंगे। इसके बाद आते हैं गाइस खलील अहमद, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। 23% लोग ने ड्रीमलैंड की टीम में इनको जगह दिया है। लास्ट पांच मैच की बात करें तो 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, हेड टू हेड 5 मैच में 7 विकेट है। स्टेडियम पे 9 मैच में 4 विकेट है। तो हमारी जीएल की टीम में ये फिक्स प्लेयर रहेंगे, इनको हम लोग फिक्स प्लेयर लेके चलेंगे। ये तो हो गया प्लेइंग 11 का डाटा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि दोनों टीमों से कौन ऐसे प्लेयर हैं जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आते हैं, और बाकी प्लेयर का मैं डाटा यहां पे बता दिया हूं। चलते हैं मुंबई की तरफ, इनके तरफ से इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलते हैं नुवन थूथरा, जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। बाकी प्लेयर का मैंने डाटा दे दिया है। दिल्ली की तरफ से इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलते हैं रसिक सलाम, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं। बाकी प्लेयर का मैंने डाटा आपको दे दिया है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके रखिए, कोई भी प्लेयर खेलेंगे तो उसको अपने टीम में आप यूज कर सकते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस, क्या बात करेंगे कि किस कंडीशन में किस प्लेयर को फिक्स लेके चलना है, ठीक है। 7 फिक्स प्लेयर मैं आपको बता रहा हूं। कब? अगर दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करता है और एमआई की टीम पहले बॉलिंग करता है, तो उस कंडीशन में विकेट कीपर में ऋषभ पंत, बैटिंग में रोहित शर्मा और जे फ्रासर एमसी गर्ग, ऑलराउंडर में अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, ये 7 प्लेयर हमारा फिक्स रहेंगे। इसके अपोजिट अगर मुंबई की टीम पहले बैटिंग करता है और दिल्ली की टीम पहले बॉलिंग करता है, तो उस कंडीशन में मेरे पास 1 विकेट कीपर ईशान किशन रहेंगे, बैटिंग में सूर्य कुमार यादव, ट्रिस्टन ऋषभ, जे फ्रासर, एमसी गर्ग, ऑलराउंडर में अक्षर पटेल, बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, ये 7 प्लेयर फिक्स रहेंगे। तो दोनों कंडीशन के लिए मैंने 7 प्लेयर आपको फिक्स दे दिया है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो 4 प्लेयर बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, और उस 4 प्लेयर को इसमें अगर आप लगा देंगे तो आपके लिए मेगा जीएल का यूनिक टीम एंड यूनिक कॉम्बिनेशन बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो लाइनअप आने के बाद इस 4 प्लेयर को इंक्लूड करके जो मैं फाइनल मेगा जीएल का टीम बनाता हूं, वो टीम फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। अगर आपको फ्री में चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस, ये मैच के लिए मेरा प्रेडिक्शन क्या होने वाला है। ये मैच के लिए मेरा प्रेडिक्शन रहेगा कि एमआई जो है मैच को विन करेगा, बुमराह 2 से 3 विकेट लेगा और खलील अहमद भी 1 से 2 विकेट निकाल के देने वाले हैं। पृथ्वी शाह, ईशान किशन और टीम डेविड, ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेंगे मेगा जीएल का।
ठीक है, तिलक वर्मा निहाल वधेरा फ्लोप होंगे, मेरा प्रेडिक्शन है कि ये मैच में फ्लोप होंगे। अगर दिल्ली मैच को जीतता है तो डेविड वार्नर, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव का इंपोर्टेंट रोल होगा, इस मैच में डेविड वार्नर को खेलने का मौका मिल सकता है। ठीक है, एमआई के लिए अगर मैच जीतना है तो रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्या, ये तीनों का इंपोर्टेंट रोल होगा। बाकी जो भी फाइनल अपडेट होगा वो फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं किस मैच में कौन से प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं, किसको हम लोग ड्रॉप करेंगे। तो चार प्लेयर को हम लोग ड्रॉप करके टीम बनाएंगे, किसको, अभिषेक पोरेल को, रसिक सलाम को, टीम डेविड को, पीयूष चावला को, ये चार प्लेयर को हम लोग इस मैच में ड्रॉप करके मेगा जीएल का यूनिक टीम एंड यूनिक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आगे हम बात करने वाले हैं कि कौन ऐसे दो प्लेयर हैं जिसको एक साथ एक टीम कॉम्बिनेशन में ट्राई नहीं करना है। जैसे अगर आप ईशान किशन को लेते हो तो नमन धीर को ड्रॉप कर सकते हैं, नमन धीर को लेते हैं तो ईशान किशन को ड्रॉप कर सकते हैं, तिलक वर्मा को लेते हैं तो टीम डेविड को ड्रॉप कर सकते हैं, टीम डेविड को लेते हैं तो तिलक वर्मा को ड्रॉप कर सकते हैं, पृथ्वी शाह को लेते हैं तो ऋषभ पंत को ड्रॉप कर सकते हैं, ऋषभ पंत को लेते हैं तो पृथ्वी शाह को ड्रॉप कर सकते हैं, ए नोट जे को लेते हैं तो खलील अहमद को ड्रॉप कर सकते हैं, खलील अहमद को लेते हैं तो ए नोट जे को ड्रॉप कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि दोनों प्लेयर को एक साथ एक टीम कॉम्बिनेशन में ट्राई नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को लेके जाना है। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं गाइस इस मैच के लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होंगे। इस मैच के लिए बेस्ट कैप्टन का चॉइस रहेंगे सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। बेस्ट वाइस कैप्टन का ऑप्शन रहेंगे अक्षर पटेल, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह। ये मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बता दिया। अब आगे हम बात करने वाले गाइस अपने फाइनल टीम के बारे में। तो जो अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमने जीएल का टीम बनाया, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा डिमांड आता है कि जीएल का टीम दीजिए। तो जीएल की टीम में हमने लिया है दो विकेट कीपर ऋषभ पंत और ईशान किशन को लिया है, बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जे फरासर, एमसी गर्ग और तिलक वर्मा को लिया है, ऑलराउंडर की बात करें तो अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को लिया है, बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, जे कोटिया और नुवन थुथरा को लिया है, कैप्टन बना है ईशान किशन को, वाइस कैप्टन बना है सूर्य कुमार यादव को। ये रिस्की है, अगर आप सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं तो जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बना सकते हैं, वाइस कैप्टन आप अक्षर पटेल को बना के जा सकते हैं या फिर रोहित शर्मा को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर और भी जीएल का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको जीएल का ट्रम्प कार्ड प्लेयर बता देता हूं। जीएल की टीम में आप ट्रिस्टन स्टब को शामिल कर सकते हैं, इसके बाद आप कुलदीप यादव को फिक्स प्लेयर लेके जा सकते हैं, इसके बाद मुकेश कुमार को ट्राई कर सकते हैं। इधर से हम बात करें तो इधर से आप पीयूष चावला को जीएल की टीम में जरूर शामिल कीजिएगा, इसके बाद तिलक वर्मा जीएल का ट्रम्प कार्ड प्लेयर है। ये सारा कॉम्बिनेशन आप मेगा जीएल में ट्राई कर सकते हैं। लाइनअप आने के बाद जो मेरा फाइनल टीम कॉम्बिनेशन आता है वो आता है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।